खबर उत्तर प्रदेश मेरठ से। मेरठ के एक होटल में कैसीनो चलाने वाले होटल मालिक भाजपा नेता मेरठ महानगर के पूर्व कोषाध्यक्ष नवीन अरोड़ा समेत 15 लोगों के खिलाफ नौचंदी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। नवीन अरोड़ा समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सभी का मेडिकल कराने के बाद मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए के कॉइन और चिप्स भी बरामद किए हैं। शास्त्री नगर निवासी भाजपा नेता नवीन अरोड़ा का गढ़ रोड पर हरवानी इन होटल है। इसमें राजेश मिगलानी, राजेश जुनेजा, अशोक तनेजा और अमित चंद्रा की साझेदारी। पांचों हिस्सेदार होटल में काफी दिनों से अवैध तरीके से कैसीनो का संचालन कर रहे थे। सोमवार की रात होटल में शहर और दिल्ली तथा गाजियाबाद के रहीजादे कैसीनो खेलने आए हुए थे। सूचना लीक होने की वजह से कैसीनो पर दांव लगा रहे सभी लोग भागने लगे। पुलिस ने 6 युवतियों समेत 21 लोगों को पकड़ा था। युवतियां मुंबई की मॉडल बताई गई हैं, लेकिन बाद में सीओ कोतवाली आशुतोष कुमार की तहरीर पर नौचंदी पुलिस ने नवीन अरोड़ा, राकेश मोहित, गौरव कंसल, राजकुमार, राजीव गुलाटी, संजय अरोड़ा, देवेंद्र पाल सेठी, राजेश मिगलानी, राजेश जुनेजा, अशोक तनेजा, अमित चंदाना, रजत सिंह, हिमांशु मैनेजर, आदिल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 8 आरोपी नवीन अरोड़ा, राजीव, राजकुमार, राकेश, संजय, मोहित, देवेंद्र और गौरव को भी गिरफ्तार किया। नवीन अरोड़ा समेत 8 आरोपियों को सोमवार रात पुलिस ने पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। जब फटकार लगी तो सभी को पूछताछ करने के बहाने मंगलवार को बुलाकर कार्रवाई की गई। नवीन अरोड़ा के अलावा कुछ अन्य आरोपी भी भाजपा से जुड़े हैं। इसके बावजूद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, भाजपा जन प्रतिनिधियों ने नवीन अरोड़ा उनके साथियों से दूरी बनाए रखी। हालांकि छुटभैया कार्यकर्ता थाने से लेकर कोर्ट के बाहर तक दिखाई दिए। देर शाम थाना नौचंदी क्षेत्र में होटल हारमनी इन में भारी एंट्री फीस लेकर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर इसमें महिला सीओ सहित 3 सीओ की टीम फॉर्म की गई। वहां पर जब रेड किया गया तो वहां पर मिली सूचना सही पाई गई। इसमें होटल मालिक एवं संचालक समेत कुल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें होटल के अंदर अवैध रूप से कैसीनो खिलाए जाने के लिए गैम्बलिंग एक्ट व अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। होटल की CCTV फुटेज पुलिस ने ले ली है। होटल की जो अन्य परमिशन है उसकी जांच हेतु अन्य संबंधित विभागों से इसमें पत्राचार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।